नासरीन खबर शामिल करते हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ से जज्बा लाइव के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुलाजिम हुसैन जगलानी की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद प्रेस क्लब खानगढ़ का मशावरती इजलास सदर शेख मोहम्मद वकास की सिरे सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास में ग्रुप के तमाम मुअस्सिस ओहदेदारान मुअस्सिस मेंबरान ने ग्रुप की बेहतरी के लिए तजावीज पेश की। हर एक की बात को सुना गया। इजलास में खानगढ़ की सहाफत में फैली बेचैनी और चंद लोगों की जर्द सहाफत की मजम्मत की गई। आजाद प्रेस क्लब खानगढ़ के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान ने आजाद मुस्बत चुरतमंदाना दो तरफा मौकिफ के साथ सहाफत के फरोग के मिशन पर कायम रहने की पॉलिसी पर अजम का इआदा किया। हमें अपना मयार बढ़ाना है और किसी भी सहाफती ग्रुप से ताल्लुक को इज्जत और एहतराम के रिश्ते को मरहूज खातिर रखने और इत्तफाक कायम रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। आजाद प्रेस क्लब खानगढ़ के चेयरमैन नवाब ज़ादा सैफुल्ला खान लुहानी, जनरल सेक्रेटरी राना इशफाक शकूर, फाइनेंस सेक्रेटरी ख्वाजा मंसूर, सोशल मीडिया इंचार्ज मलिक इस्मान मोंडा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुजम्मिल सखेरा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक सकलैन तहीम, मिंबर मजलिस आमा मोहम्मद सुलेमान और मीटिंग बवजह मजबूरी गैर हाजिर सरपरस्त आला मियां मोहम्मद तैयब दरिग एडवोकेट, वाइस चेयरमैन मलिक आसिफ मोंडा, चेयरमैन मजलिस आमा वजीर खान बलोच और ग्रुप में नए शामिल होने वाले एन न्यूज चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक कलीम आवान को चेयरमैन नवाब ज़ादा सैफुल्ला खान लुहानी और सदर शेख मोहम्मद वकास ने खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। आखिर में ग्रुप और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ की गई। खबरों का सिलसिला भी जारी है। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जज्बा लाइव।